अय्यूब की पुस्तक अध्याय 33, अय्यूब की पुस्तक अध्याय 33। तो भी हे अय्यूब, मेरी बातें सुन ले और मेरे सब वचनों पर कान लगा। मैंने तो अपना मुंह खोला है और मेरी जीभ मुंह में चुलबुला रही है। मेरी बातें मेरे मन की सीधाई प्रकट करेगी। जो ज्ञान मैं रखता हूं उसे खराई के साथ कहूंगा। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बताया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। यदि तू मुझे उत्तर दे सके तो दे, मेरे सामने अपनी बातें क्रम से रचकर खड़ा हो जा। देख, मैं परमेश्वर के सन्मुख तेरे तुल्य हूं, मैं भी मिट्टी का बना हुआ हूं। सुन, तुझे मेरे डर के मारे घबराना न पड़ेगा और न तू मेरे बोझ से दबेगा। निसंदेह तेरी ऐसी बात मेरे कानों में पड़ी है और मैंने तेरे वचन सुने हैं कि मैं तो पवित्र और निरपराध और निष्कलंक हूं और मुझ में अधर्म नहीं है। देख, वह मुझसे झगड़ने के दाव ढूंढता है और मुझे अपना शत्रु समझता है। वह मेरे दोनों पांवों को काठ में ठोक देता है और मेरी सारी चाल की देखभाल करता है। देख, मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे उत्तर देता हूं इस बात में कि तू सच्चा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से बड़ा है। तू उससे क्यों झगड़ता है? क्योंकि वह अपनी किसी बात का लेखा नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन दो बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित नहीं लगाते। स्वप्न में व रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं व बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य से दूर करे। वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। उसे ताड़ना भी होती है कि वह अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा तड़पता है और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है, यहां तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता है। उसका मांस ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता और उसकी हड्डियां जो पहले दिखाई नहीं देती थी निकल आती है। निदान वह कब्र के निकट पहुंचता है और उसका जीवन नाश करने वालों के वश में हो जाता है। यदि उसके लिए कोई बिचवई स्वर्गदूत मिले जो 1000 में से एक ही को जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, तो परमेश्वर उस पर अनुग्रह करके कहता है कि उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, मुझे छुड़ौती मिली है। तब उस मनुष्य की देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाएगी, उसकी जवानी के दिन फिर लौट आएंगे। वह परमेश्वर से विनती करेगा और उससे प्रसन्न होगा। वह आनंद से परमेश्वर का दर्शन करेगा और परमेश्वर मनुष्य को जो का त्यो धर्मी कर देगा। वह मनुष्यों के सामने गाने और कहने लगेगा कि मैंने पाप किया और सच्चाई को उलट पुलट कर दिया, परंतु उसका बदला मुझे दिया नहीं गया। उसने मेरे प्राण कब्र में पड़ने से बचाया है, मेरा जीवन उजियारे को देखेगा। देख, ऐसे ऐसे सब काम परमेश्वर पुरुष के साथ दो बार क्या वरन तीन बार भी करता है, जिससे उसको कब्र से बचाए और वह जीवन लोक के उजाले का प्रकाश पाए। हे अय्यूब, कान लगाकर मेरी सुन, चुप रह, मैं और बोलूंगा। यदि मुझे बात कहनी हो तो मुझे उत्तर दे, बोल, क्योंकि मैं तुझे निर्दोष ठहराना चाहता हूं। यदि नहीं तो तू मेरी सुन, चुप रह, मैं तुझे बुद्धि की बात सिखाऊंगा।